हाथरी जैसे टर्बुलेंट एरिया में उनको इतना प्यार मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा भी रहा है कि लास्ट डे जब सस्पेंड भी हुए हैं पर... कि हमें आज यहाँ से ये मैसेज देना है कि हु हैज चेंज द जोन ठाठरी। अगर जोन ठाठरी को डेवलपमेंटल ट्रैक पे किसी ने लाया तो मैं वो सूख के साथ कहता हूँ, आई एम सेइंग टू यू विदाउट एनी हेजिटेशन, आई एम प्राउड ऑफ इट दैट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रेडियो हमारे अफजल साहब ने यहाँ एक चेंज। मेरे ये बोलता था कहीं गलती से इनकी ट्रांसफर ना हो जाए और उसके बाद आने वाले जो ऑफिसर होंगे शायद जो पैरामीटर इन्हें सेट किए काम करने के उनको मीट कर पाए ना। कब बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। जिसने हमें अपने आप से मिलाया, किरदार क्या होता है हमको सिखलाया। मेरे दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने ईमानदारी क्या होती है हमें बताया। कोई भी ऑफिसर हर एक एम्प्लॉई को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस टेन्योर में कोई ऐसा टीचर रहा हो, कोई ऐसा स्टाफ मेंबर रहा हो जो है डिससेटिस्फाइड हो इनसे। इन दुआ है रब से, आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बसते रहो। अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे दरवेशों से मिलते हैं चेहरे हमारे, ऐसे दरवेशों से मिलते हैं हमारे चेहरे जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप भी इस फिराक में हैं कि आप भी यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक वक्त ऐसा था कि ठाठरी जो जोन था वो घूसखोरी और काम चोरी के लिहाज से हम कहें तो चरम पर था, एक गढ़ बना हुआ था ठाठरी जोन। के हुस्न पर फिदा हूँ, हुस्न पर फिदा हूँ, औसाफ और भी हैं सारे, हुस्न पर फिदा हूँ, औसाफ और भी हैं सारे, अफसर बहुत देखे हैं, जेडो साहब बेमिसाल हैं हमारे। मैंने किया था इनका स्कूल का डायग्राम डिसिप्लिन देख के लगा था मुझे कि ये बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। एक सूरज होता है बिना किसी तफरीक के हर एक के लिए वो अपनी रोशनी दिखाता है, वो हमारी मिसाल हमारे जेडियो से। सबको जो बिखरे हुए टीचर से एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और ठाठरी जोन में न सिर्फ एकेडमिक में बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक रेवोल्यूशन लाने के लिए। जब ये पहली बार यहाँ पे आए थे मुझे थोड़ी सी फिक्र भी हुई थी। भारत देश की महानता है, विशालता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश, दुनिया की सबसे बड़ा गणतंत्र जिसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक हासिल है। हम चेयर से ताली से अपने रेडियो साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से और हार डालते हुए हमारे जेडियो साहब को रिसीव कर रहे हैं हमारे साजा के राम। बहरहाल ये लम्हा बहुत ही अजीब होता है, ऐसा समा कहते हैं घड़ी अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तों को आप बदलना लाजमी ठहरा। बहरहाल जेडियो साहब को हौसला है और यही दर्शाता है कि हर उस आज़ा में इस तरह से हमदर्दी जोश वलवला है। तो मैं इसी तरह से जेडियो साहब अभी अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं और तमाम साथ जो हैं जिन्होंने हाथ डाल दिया अपनी हमदर्दी के लिए, जो भी रहे हैं वो भी आए और बारी बारी से हाथ डालते जाएं। और इसके साथ में ही हमारे
यहाँ के मुअज्जिज़ और मोहतरम सेक्रेटरी सर, एस के कोतवाल सर हमारे टीम के दरमियान हमारे टीम में मौजूद है, और हमारे मेहमान साथ-साथ और बहुत ही होशियार सिंह सर जो प्रिंसिपल भी शिवा में रहे, डोडा में रहे, डाइट में और पूरे इलाके में यहाँ के हमारे जो इलाके के रहने वाले हैं और आज हमारे SCRT में तैनात हैं और मास्टर ट्रेनर सबसे नामवर और मशहूर और बहुत ही इंटेलिजेंट सर हैं हमारे डाइट इसमें SCRT में जम्मू में है। बहरहाल अभी बाहर पहनाने की रस्म हो रही है तो बराए करम जो साथ उधर रास्ते में है प्लीज वो अपने अपने चेयर्स पर बैठ जाए। ये एक तारीखी मौका और तारीखी लम्हात हमारे लिए है। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। इज्जत माफ गेस्ट ऑफ ओकेजन मोहतरम मुकर्रम वर्दी अमजद हुसैन साहब जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर ठाठरी हैं, मोहतरम मुकर्रम श्री एस के कोटवाल साहब जो नाजिमी EPS यानी कि सेक्रेटरी सुकुल हाजा हैं, और स्टेज पे बैठे हुए वर्दी प्रिंसिपल सर श्री हुशार सिंह सर, और दयार में मौजूद हमारे अमीन सर जो मास्टर हैं, उनके अलावा श्री बलदेव सर, मोहतरम मुकर्रम पृथ्वीराज सर और बहुत सारे हजरात जिनका एक एक करके नाम लेना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। मीडिया के जिम्मेदार जिनको फोर्थ स्टेट कहा जाता है, जनाब टाइम्स के जिम्मेदार व एडिटर इन चीफ अंजर अयूब साहब और फेयरवेल पार्टी की जो कमेटी यहां पे तश्कील हुई जिसे टीचर्स वेलफेयर कमेटी भी कहा जाता है, उनके तमाम मेंबरान, उसके अलावा जहानतों को शब्दों में या जुमलों में तब्दील करने वाले बेशबाह कीमती मुकर्रर हजरात और बहुत सारे हजरात जो कहकशां की शक्ल में मेरे सामने मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि हर एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है। आप तमाम के खिदमत में जितने भी यहां पे दयार में मौजूद हजरात हैं, मोहब्बतों का अकीदतों का सलाम वादा। पेश हो की मोहब्बत सलाम करती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, तो यहां पे चूंकि कुछ डिग्निटी जो हमारे सामने मौजूद है श्री हुशार सिंह सर,
जो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं लेकिन वो सुभदोष रोहे बनसीते चीफ एजुकेशन ऑफिसर, तो जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी जबीने अकीदत सलाम करती हो है, मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। तो बहरहाल हमारी ये आस्था है, हमारी ये अकीदत है कि हम जब भी किसी मजलिस की शुरुआत करते हैं तो हम उस बारी ताला परमात्मा की का नाम लेकर शुरू करते हैं जो मालिक कुल कायनात हैं, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। तो मेरा भी जब भी कहीं इस किस्म के मौके मिलते हैं, मेरी ये आदत समझो आप कि हम उसी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो अर्ज यूं है, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। और क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है, सूरज के चमकने से तारों के बिखरने तक, मोजों के थपेड़ों से तूफान के ठहरने तक, गुंजों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा तैकर भी तो उसका है, क्या तूने नहीं देखा उसके ही इशारों पर ये सारे तमाशे, क्या तूने नहीं देखा उसके ही इशारों पर ये सारे तमाशे हैं, वो धूप का मालिक है, वो छांव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी हैं, मंजर भी तो उसका है, वो धूप का मालिक है, वो धूप का मालिक है, वो छांव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी हैं, मंजर भी तो उसका है, क्या तूने नहीं देखा वो खाक के जर्रों से, क्या तूने नहीं देखा वो खाक के जर्रों से सूरज भी बनाता है, तारे भी बनाता है, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या है मिट्टी ही समझ मुझको, मैं क्या हूं, हम क्या हैं, मिट्टी ही समझ हमको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। तो मालिक दो जहां की बहाई व किबरियाई के बाद, सृष्टि के रचेता विधाता की वंदना के बाद, आइए मैं टीचर्स वेलफेयर कमेटी जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इनकी अजहद मोहब्बतों कविशों का यह नतीजा है कि हमारे सामने ये प्रोग्राम इस वक्त शुरू हो चुका है। तो उनके बिहाफ पर मैं तमाम जितने भी दयार में मौजूद शख्सियात हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हर एक का नाम मेरे लिए लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर एक के दिल में मेरे दिल में इज्जत और आबरू उतनी ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब जो हैं जितने भी दयार में मौजूद हजरात हैं ये कौम के ममार हैं, और वो शख्स जो एक कौम की तश्कील करता है, जो एक कौम को तश्कील देता है, वो एक आम बंदा नहीं होता है। तो बहरहाल मैं आप तमाम हजरात का कमेटी के बिहाफ पर खुलूस दिल से वालेहाना इस्तकबाल करता हूं। जोरदार तालियों के साथ तमाम हजरात जितने भी यहां पे हम मेहमान हजरात बैठे हैं उनका इस्तकबाल होना चाहिए। तो इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जज्बात की अकासी जो हमारे मोहतरम व मुकर्रम ज़ेडो साहब यहां पे मौजूद हैं
करना चाहूंगा। मेरे पास शब्द कम हो पड़ रहे हैं कि किस तरीके से मैं इनकी तारीफ करूं, बल्कि मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ईमानदारी, दयानदारी, वफादारी और तालीम के प्रति जो इनके जज्बात हैं, इन तमाम टर्म्स को अगर डिकोड किया जाए तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, वो है मोहतरम मुकर्रम श्री अमजद हुसैन साहब। क्योंकि जिस पुरखलूस अंदाज में हमारी इस सांझा तहजीब की हफाजत इन्होंने इन गुज़श्ता दो साल में की, वो आज खुद एक इतिहास रच गई। ये न सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर थे बल्कि एक इल्म अदब के या लिटरेचर या साहित्य के एक बहुत बड़े अलमबरदार भी थे, इंसानियत के परस्तार थे। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास टाइम कम है, इनकी खसूसियात पे अगर लब कुशाई करनी हो तो कम से कम एक घंटा की जरूरत है। तो मैं चंद शेरों के साथ अपने खिताब जो है, जो मेरा इफ्तिताही खिताब था, वेलकम खिताब, उसको क्लोज करना चाहूंगा। वो मैं मंसूब करना चाहूंगा वर्दी जैदो साहब के नाम। ये आखिरी अलाव है, ये आखिरी अलाव है जी भर के दिल ताप हो इन, ये आखिरी अलाव है जी भर के ताप लो इन्हें, अब इनके बाद इनका कोई सिलसिला नहीं। जब रास्ते में हम कहीं साया ना पाएंगे, जब रास्ते में हम कहीं साया ना पाएंगे, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएंगे, मगर जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। स्पीकर को दावत देने से पहले गुजारिश करूंगा, क्योंकि वक्त का खास ख्याल रखा जाए, जो ख्याल थे नकायास थे वही लोग हमसे बिछड़ गए, मेरी जिंदगी की जो आस थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। मैं दावत दूंगा मोहतरम रशपाल सिंह, जो टीचर हमारे यूपीएस छिपा के हैं, उनको दावत दूंगा कि वो अपना अपने जेडो साहब के रेफरेंस में इनके हयात जिंदगी के हवाले से। मोहतरम रशपाल सिंह। थैंक यू मंजूर सर। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशु में भी साबुत नजर आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी पल के लिए, मगर सदा के लिए दिल में उतर जाते हैं। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन श्री अमजद हुसैन सर एंड सेक्रेटरी सर होशियार सिंह सर एंड द गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बिफोर मी, ए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि मुझे यहां बायोग्राफी जो है जेडियो सर की, उसे सुनाने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है, तो मैं बताता चलूं आपको कि 18 जनवरी 1964 में एक गांव रामबन डिस्ट्रिक्ट के पोगल परिस्तान तहसील में अलिम्बास एक गांव है, वहां एक बहुत बड़ी शख्सियत का जन्म हुआ। जिनका नाम
अमजद हुसैन रखा गया। इनके पिताजी श्री आलिफुद्दीन जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और इनकी माता श्री मफतुल्ला बेगम जो हाउसवाइफ है। इनकी प्राइमरी एजुकेशन अलिंबास में ही हुई और मिडिल तक की जो इनकी पढ़ाई थी वो इन्होंने मिडिल स्कूल रामसू में की और उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की जो इनकी पढ़ाई थी वो इन्होंने MLHS हायर सेकेंडरी स्कूल अधमपुर से पूरी की। इनका कॉलेज जो है, कॉलेज की पढ़ाई जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अधमपुर से हुई और बीएड जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने की और कंप्यूटर में भी अच्छा नॉलेज है। उसका एक साल का कोर्स इन्होंने डायरेक्ट जम्मू से किया। इनके यहां दो बेटे जिनमें एक इंजीनियर है और तीन बेटियां जिनमें दो टीचर ही हैं। तो इनकी अपॉइंटमेंट एज ए टीचर जो है वो 5 अक्टूबर 1984 में हुई और इनके कैरियर की जर्नी जो है वो शुरू होती है हाई स्कूल त्रिगाम रामबन से। तो उसके बाद इनकी प्रमोशन एज ए मास्टर जो है 23 अगस्त 2003 में होती है और उसके बाद इंचार्ज हेडमास्टर 15 दिसंबर 2015 को होती है और पोस्टिंग जो है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में और ZDO एज ए ZDO प्रमोशन जो है इनकी वो 6 मई 2022 में होती है और शुरुआत हमारे ही जोन में हुई है। आपको बताता चलूं मैं कि इन्हें बहुत से अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। एक डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू की तरफ से इन्हें अवार्ड फॉर एक्सलेंस परफॉर्मेंस के लिए मिला था और उसके बाद जो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन थी उनकी तरफ से भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने ज़्यादातर जो काम अपने कैरियर में रहा बहुत ज़्यादा हेल्प इन्होंने, जैसे कि रामबन में जो स्नोफॉल होता है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स होते हैं उनकी हेल्प करने में इनका बहुत योगदान रहा। जैसा सम्मान इन्हें सोसाइटी से मिला है, बाकी जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे मिला, उनके जो मुलाजिम है उनसे मिल रहा है और ZDO सर के लिए बताते चलें कि ये मैन ऑफ मॉरल्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअल एजुकेशनिस्ट, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी मानूंगा मैं और सोशलिस्ट भी हैं, ओरिएटर भी हैं और रिफॉर्मर। तो अब इनका जो हालत ज़िंदगी थी, जो बायोग्राफी थी उस पर नज़र रखी तो अब एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बसते रहो। धन्यवाद। मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखें और उसके साथ में ही जो हमारे यहाँ बहुत ही डाइट में बहुत सालों से और काबिल इज्जत वाजिब एहतराम इज्जत नाब हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा एक और एक रोशन चिराग जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं यानी कि चीफ गेस्ट जो
हजारों दिलों की धड़कने हैं। मेरी मुराद है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा ऑनरेबल श्री धनंतर सिंह कोटवार सर, उनके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर और इलम की शम्मा को भरोसा करने वाले, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने तक इलम की इस रोशनी को पहुंचाने वाले हरदल अजीज ऑफिसर, मेरी मुराद है चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ऑनरेबल श्री पुरुषोत्तम गौरिया सर, गेस्ट ऑफ ऑनर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर ऑनरेबल श्री संदीप सिंह मनहास जी, गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे बीच में आ पहुंचे हैं वो हैं वर्दी तहसीलदार साहब काफी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जिन्होंने गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स को मुख्तलिफ पॉलिसीज को आवाम के डोर स्टेप पे लिया हुआ है और काफी ईमानदारी का सबूत हमारे सामने है। मेरी मुराद है ऑनरेबल श्री साहिब रंधावा सर से कि वो भी हमारे बीच में जलवा अफरोज हो चुके हैं। उसके अलावा जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो है रिटायर्ड प्रिंसिपल और जो एक्स सीओ भी रह चुके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड के श्री हुशियार सिंह सर। उनके अलावा जो गेस्ट ऑफ ओकेजन है जो हमारे माथे का झूमर है जिनकी वजह से एक ऐतिहासिक मेला यहां पे सजा हुआ है, मेरी मुराद है ईमानदारी व इंसानियत के अमन बरदार अमजद हुसैन जो जैकर फारसी हैं। उसके अलावा हमारे और आप बेहतर यहां पे जितने भी टीचर हजरात हैं असातज़े किराम हैं उनके उस्ताद रह चुके हैं और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो अगर चाहें तो समंदर को कोसे ने कैसे बंद करना है वो बखूबी जानते हैं, जो इस वक्त अंजाम दे रहे हैं जो अपने फरीजा अंजाम दे रहे हैं वहीं से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर डोडा वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं ऑनरेबल श्री डॉक्टर अनीस अहमद सर। मैं टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो ठाकरी है उनकी तरफ से उनके बिहाफ पर इन तमाम शख्सियात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और वेलकम करता हूं इस बात का कि इन्होंने भी हमारे जैकर साहब जो हमारे इस कारवां के लीडर हैं जिन्होंने एक इंकलाब बरपा किया, एक नई सोच यहां पे डेवलप की, इनकी ईमानदारी इनकी वफादारी इनकी दयानतदारी को यहां पे हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच आ चुके हैं और हमारी भी हौसला अफजाई के लिए यहां पर हमारे बीच आ चुके हैं। और मैं अगर वहां जिस वेन्यू में हम बैठे हुए हैं अगर उनकी बात यहां पर ना की जाए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि इस दूर दराज इलाके में जिन्होंने इल्मी व अदबी ताजमहल और लाल किला यहां पर तामीर किया हुआ है, मेरी मुराद है जो मुंतजिम है एक्स स्कूल के ईपीएस स्कूल के नाजिम व सेक्रेटरी श्री एस के गोपाल साहब, तो इन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं इस शोर के साथ कि आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले हम मुंतजर हैं तेरे,
मुख्तलिफ जगहों से आने वाले इन्हीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ पर आ चुके हैं, मैं फिर से उनका अभिनंदन करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ पल हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिए। अब जैसे कि वक्त हो चुका है तो मैं अपने माननीय अतिथिगण से निवेदन करना चाहूँगा कि वो आगे आकर दीप प्रज्वलन की जो प्रथा है उसकी शुरुआत करें, और ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को अपने अंजाम तक पहुंचाने की जो है कोशिश कर सकें। प्लीज सर, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्या ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है। ज्ञान का प्रकाश एक ज्योति की तरह है, ज्ञान का प्रकाश एक ज्योति की तरह है जो अंधकार को दूर कर देता है, जो अंधकार को दूर कर देता है। तुम दीप में बाती, तुम दीप में बाती, तुम बिन जल भी ना पाती, तुम बिन जल भी ना पाती। देखिए दीप प्रज्वलन जो है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमारा मानना है कि दीप प्रज्वलन करने से जो दिए की जो ऊर्जा है वो हम सब में आती है, ताकि हम अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से संपन्न कर सके। वो कहते हैं ना, रोशनी हमेशा हमें अंधकार से दूर ले जाती है, जहां रोशनी है वहां अच्छाइयां अपने आप आ जाती है, क्योंकि रोशनी को अच्छाई का एक प्रतीक माना गया है। इसलिए हर प्रोग्राम की जो शुरुआत है उसको हम दीप प्रज्वलन से जो है शुरू करते हैं, और हमारे सारे मनोभाव यहाँ पर दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग देते हुए। तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार के साथ ये सम्मान पूरी हो। अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित है तो तालियों के घड़घड़ाहट। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मुखिया और ऐसे शख्स मेरे ख्याल से हमारे पूरे यूपी में 20 डिस्ट्रिक्ट है और 20 काउंसिले भी हैं, तो ऐसे एग्जांपल सेट की यहाँ पे जिन्होंने बैलेंस करके रखे, ऑपोजिशन और रूलिंग का कोई जिसमें डिफरेंस नहीं है रखा है इन्होंने। हर कोई अपना इश्यूज काउंसिल मेंबर उनके पास बेधड़ बेझिझक होके आते, और कोई भी ऐसा एक भी ऐसा काउंसिल मेंबर 14 में से नहीं मिलेगा जिसने जाने अनजाने में कि कभी भी कोई एक एज ओपोजिशन के हिसाब से मुखालत की है, चाहे मीटिंग में या बाहर। हमारे काउंसिल के मुखिया हम सबके प्रिय नेता भी श्री धनंतर सिंह कोतवाल जी और कुशल कोतवाल जी, प्लीज सर। थैंक यू संदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे ऑनरेबल ZDU साहब की रिटायरमेंट पर टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, आज के इस कार्यक्रम में काउंसिल के मेरे सहयोगी छोटे भाई संदीप सिंह मनहास जी मेरे साथ यहाँ पे आए हुए, आपके बहुत ही काबिल ईमानदार ऑफिसर गोरिया साहब जिनको लाने के लिए आप लोगों ने आग्रह किया था, और मैंने इनको बोला कि आपने सर
अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख के मेरे साथ वहां पे चलना है, तो ये भी मेरे साथ यहाँ पे हैं। हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारे डीपीओ साहब जो मेरे घर के साथ में रहते थे एज प्रिंसिपल, आज ये भी डीपीओ के हैसियत से यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जिनके लिए ये प्रोग्राम है, ऐसे हमारे सीओ साहब जिनकी बहुत सारी तारीफें आप लोगों ने की, बहुत मन को तसल्ली हुई। इस स्कूल के हमारे मालिक हमारे एक्स प्रिंसिपल साहब हैं, स्टेज को संचालित करने का जिन लोगों को यहाँ पर मौका मिला और जिन्होंने अपनी बड़ी बाबाती के साथ बातें यहाँ पर रखी, फारूक साहब ने भी अपनी दिलों की जो जज्बात है उनका इजहार किया, बहुत सारे लोगों ने आप में से भी बात की, संजय जी यहाँ पे हैं, मीडिया के हमारे बंधु, बहुत अच्छा है कि हम आज इस बहाने से यहाँ पर मिले। और मैं अक्सर ऐसे जैसे प्रोग्रामों में आता रहता हूँ, एक दो साल पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था, बहुत सारी संख्या उसमें थी, और उसके बाद यहाँ पर आज फिर आने का मौका मिला और जो मुझे फीडबैक मिली कि आप लोग डिफरेंट सोच से आते हैं, हालांकि आप टीचर हैं, कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, पर जो यहाँ पे सुना कि आप मुख्तलिफ सोच से आते हैं, ये इस भारत देश की महानता है, विशालता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश, दुनिया की सबसे बड़ा गणतंत्र जिसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक हासिल है, और इसी हक के साथ हम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। साथियों, मैं एक उस्ताद का बेटा हूं और मैं ये समझता हूं कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अपने अगर उस्तादों की इज्जत ना करे तो उसकी लाइफ में उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी डेवलपमेंट, उसकी पदोन्नति कभी नहीं हो सकती है। आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ लोगों को अपना गुरु मानते हैं, मुख्तलिफ ऐसे जैसे धार्मिक लोगों को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस आदमी को घर में अपने मां बाप हैं, जिस आदमी को अपने उस्ताद हैं, अगर वो उनकी इज्जत ना करे और दूसरों को अपना गुरु बनाए हैं, कैसा ढोंग खड़ा करे, तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा कोई पाप नहीं हो सकता है। कि घर में आपके बूढ़े मां बाप हैं, उनको आप प्रॉपर मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो बाहर के लोगों को आप अपना गुरु मानते हैं और बड़े ड्रामे करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, जो भी है, आज का टॉपिक तो ये है कि ऐसे जैसे शख्स जिन्होंने अपनी सर्विसेज से हम सब लोगों को प्रभावित किया है और जो हमारे बीच में से आज सुबकदोष होके जा रहे हैं, तो जैसा कि यहां पे बताया गया कि ये अच्छा होगा कि हम इनकी ज्यादा तारीफ करने से ये करें कि इनके बताए हुए रास्ते पर, इनके बताए हुए मार्ग पर, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम डेवलपमेंट काउंसिल के लोग हैं, ज्यादा सड़कें, बिजली और पानी की बात होती है, लेकिन जो हमारा भविष्य है, जो हमारा कल है, मैं समझता हूं कि ये एक इसकी सबको चिंता होनी चाहिए, और उस सब का जिम्मा जो है वो आप सब लोगों पर है। आप इस कौम के मेहमान हैं, इसको अच्छे सिमत में लेने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप लोग हैं, और आप लोगों से बहुत उम्मीद है
आप कॉम्पिटेंट भी हो कि आप समाज को किस तरफ लेना चाहते हो उसकी नींव उसकी बेस जो है वो आप लोग डालते हैं। और उसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अपनी पहचान आप अपनी आइडेंटिटी आप अपनी शख्सियत जो है उसकी पहचान हमें आपके स्कूल से होनी चाहिए, आपके स्कूल के उन बच्चों से होनी चाहिए कि जिनका फ्यूचर आप पर निर्भर है, जो किस सीमत में जाए ये आप पर निर्भर करता है। और आपकी आइडेंटिटी आपकी मन का सुकून उन बच्चों से है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी जब आता है खाली हाथों आता है, और इस दुनिया में जो भी सच झूठ करता है जो भी करता है तो आखिरकार वो सब कुछ यहां पे छोड़कर उसको खाली हाथों वापस लौट के जाना है। अगर उसकी कोई कमाई है अगर उसके मन में कोई सेटिस्फेक्शन है तो वो क्या है, वो बच्चे हैं। कि आपके पढ़ाया हुआ अगर कोई शागिर्द अगर कहीं ऐसे मकाम पर पहुंचता है तो उससे जो तसल्ली होती है ये मेरा खुद का अनुभव है कि उससे जो सेटिस्फेक्शन और जो एक प्राइड फील होता है वो शायद उस दौलत से कभी कहीं ज्यादा है। अभी मैं अनीश सर मेरे साथ में बैठे हुए थे और बता रहे थे कि बहुत सारे आप में से जो है इनके स्टूडेंट हैं और बड़ा एक गर्व महसूस कर रहे थे। मैं समझता हूं यही सबसे बड़ी कमाई, अन्यथा आपके किसी के पैसे आपका घर आपकी गाड़ी आपका कोई नहीं देखता है। अगर कोई देखता है तो यही देखता है कि आपने कितने लोगों को कमाया है, आपके पढ़ाए हुए आपके बनाए हुए कितने ऑफिसर बने हैं, कितने डॉक्टर बने हैं, कितने इंजीनियर बने हैं, कितने टीचर बने हैं। ये कमाई जो है आपके पास होती है और ये कमाई तभी होती है जब आप अपनी फुल डेडिकेशन के साथ उन बच्चों के साथ मेहनत करेंगे, उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल होगा। साथियों आने वाला समय जो है जिस तरीके ने देश ने करवट बदली है आप सब लोगों को पता है कि दुनिया की देश को एक सपेरों का देश कहा जाता था, एक मांगने वालों का देश कहा जाता था। और आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि आज आपके इतिहास में आप देखिए कि हमारे जो देश के नेता होते थे जो प्रधानमंत्री या और होते थे जब वो बाहर कहीं अमेरिका इंग्लैंड या कहीं दूसरे मुल्क में जाते थे तो उनको वहां पे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए हाथ पांव मारना पड़ते थे, इंतजार करना पड़ता था क्योंकि देश की इमेज ही ऐसी थी। लेकिन हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गत वर्षों में जिस तरीके से देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है आज हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी हमारी देश की इकॉनमी जो एक कुछ ही समय पहले 11वें नंबर पर हुआ करती थी आज 5वें नंबर पर पहुंची है और आने वाले कुछ ही वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। यह अपने बाप में ही एक बड़ा प्रमाण है। हालांकि पूरी देश और दुनिया ने कोविड में जिस तरीके से अपने देश का जो अर्थव्यवस्था है जिस तरह से चरमरा गई थी, जिस तरीके से जनहानि हुई थी और एक अनुमान लगाया जाता था कि भारत जैसे इस विशाल जनसंख्या वाले देश में अगर कोविड जैसी महामारी आएगी तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, यहां पर लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इनिशियली जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और पूरे एक छोटे नुक्कड़ की दुकान से बड़ा कारखाना फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, एक छोटी से साइकिल से लेकर रेल हवाई जहाज सारा यातायात बंद कर दिया गया, एक छोटे गांव से लेकर एक बड़े कस्बे तक सारी चीजें रोक दी गई और 6 महीने के अंदर जिस तरीके से देश के
लोगों ने उनके इस आह्वान को सिराखों पर लिया, जिस तरीके से देश की जनता ने उनको कोऑपरेट किया, तो हम इस महामारी से बाहर निकले। और हमने यही नहीं, इस बीमारी से लड़ने के लिए जो दुनिया की बेहतरीन वैक्सीनेशन को तैयार करने का काम था वो भारत में किया। और यही नहीं, हमने हर गांव से लेकर हर शहर तक हर एक नागरिक को वैक्सीनेट किया। और उसके साथ साथ हमने अपने पड़ोस के सभी देशों को, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल राइवलरी हो, चाहे हमारे अपोनेंट हो, हमने इस चीज से ऊपर उठकर उन देशों को भी वैक्सीन सप्लाई किया। तो इतना सारा काम करने के बावजूद हमने इस पूरी हमारी जो ये जनसंख्या है उसमें कोई भूखा ना रहे, उसके लिए फ्री राशन का इंतजाम किया। और देश के 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को फ्री राशन का जो है प्रावधान किया गया। साथियों यही नहीं, यहां पर हर आदमी को उसकी पदोन्नति के लिए, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा नौजवान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, सब लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम जो है हमने लॉन्च की। हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया साल को किसान की खाद बीज और उसकी किसानी करने के लिए जो है वो मुहैया कराया गया। और जो मोदी जी की एक सोच थी कि हमारा किसान जो देश की बैकबोन है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको जो है मजबूत किया जाए, उसके लिए और बहुत सारे जो है प्रोग्राम यहां पे लाए गए। यहां पर महिलाओं के लिए जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी होती थी, जो एक आम महिला, एक आम साधारण परिवार जिसको गैस के नाम पर हमेशा एक्सप्लाइटेशन होती थी, उसको गैस नहीं मिलती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को गैस मिलती थी जो एमपी से लिखवा के लाते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे। लेकिन हमने देखा कि इन पिछले गत वर्षों में हर एक गरीब परिवार की महिला को जो है घर में गैस मुहैया कराई गई। विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे इंसेंटिव जो है वो लाए गए, मिड डे मील से लेकर विद्यार्थी का कुपोषण ना हो उसका भी इंतजाम किया गया। और इस सबसे बड़ी एक स्कीम जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत ही खुशकिस्मत होंगे कि हमें यहां पर एक गरीब परिवार बीपीएल से लेकर और एक टॉप लेवल तक सब लोगों को जो है गोल्डन कार्ड इशू किए गए। 5 लाख का इंश्योरेंस हर आदमी का किया गया है। भगवान ना करे जब भी किसी आदमी को कोई मुसीबत पड़ती है तो उसके रिश्तेदार कहते हैं यार वो बड़ा गरीब है, अब उस वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मांगना है और मुझे देना पड़ेगा, तो 100 बहाने बनाते थे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि पिछले 4-5 वर्षों में जो भी लोग जिनको ऐसी विपदा पड़ी, जो ऐसी आफत आई, तो उन्होंने खुद इस चीज का अनुभव किया कि उनका जो है फ्री ऑपरेशन हुआ, फ्री उनको जो है उपचार किया गया और अस्पताल में जितनी देर वो रहे उसका सारा खर्च जो है वो सरकार ने किया। इस सबसे प्रभावित होकर जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया उन्होंने आकर हमें, तो इतनी सारी चीजें जो है इस देश में हुई है और इसी के कारण आज हमारा देश जो है उसको पूरी दुनिया जो है उसको नजर लगाए हुए। आज जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, असमंजस बना हुआ है, रशिया और यूक्रेन का जो जंग पिछले 2 सालों से लगा हुआ है, इसराइल और दूसरे का जो ये जंग लगा हुआ है, एक अनसर्टेनिटी है। और आज हर दुनिया का नेता जो है वो कहता है कि अगर इसका कोई संविधान हो सकता है, इसका कोई हल कर सकता है, तो वो मोदी जी कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इतनी उम्मीदें जो है दुनिया ने भारत से लगाई हुई। तो ये सारा काम अगर कोई कहे कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे देश के देशवासियों का काम है।
उन नए एंटरप्रेन्योर्स का काम है, आप जैसे उसातज़ा अकराम का काम है कि आप सब लोगों ने इसमें अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक योगदान किया है, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक आपने उसमें सहयोग किया है, और उसी का कारण है कि आज देश की साख बड़ी है। साथियों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लोगों से करना चाहता हूं, लेकिन समय की एक सीमा है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोग बिना किसी को क्रिटिसाइज किए हुए, हमारा काम पटवारी का है, हमारा काम रेवेन्यू ठीक करने का है, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं नहीं जी, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो फलाना जो है सरपंच जो है वो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, किसी हद तक आपकी ये बात जायज है, जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों का समाज में एक बड़ा अहम रोल है, आपकी कही हुई बात जो है उसका बहुत असर है। लिहाजा मैं आपको कहूंगा कि जो दफा 370 और 35 को खत्म होने के बाद जिस तरीके से पंचायत राज को एम्पावर किया गया है, जिस तरीके से गांव की गवर्नमेंट का पूरा रोल जो है वो पंचायत पर है, पंचायत मेंबर्स पर है, तो उनका जब भी इलेक्शन होता है आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि यार मैं मास्टर हूं तो मैं थोड़ा इससे दूर रहूं। ठीक है, डायरेक्टली हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी शख्सियत, ऐसा पंच और सरपंच हो जो कम से कम ईमानदार हो, जो सब लोगों को साथ लेकर चलने की सोच रखता हो, ऐसे जैसे लोगों को एनकरेज का काम करने का जो है वो हम टीचर्स का है। हम समाज में जहां भी रहते हैं, चाहे हम उस एरिया में जहां पर हमारा स्कूल है वहां रहते हैं, या उस गांव में जहां हमारा, जहां के हम वोटर हैं, हर जगह पर हमारा एक कद है, एक कदर है, तो हमने अपने उस कदर को बहाल रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों का चयन किया जाए, अच्छे लोग आगे आए और वो हमारे गांव की, हमारे पंचायत की डेवलपमेंट कर सके, तो इसमें भी हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो मेन बात है, जो हमारे जिस स्कूल में हम रहते हैं, जहां के हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें से भी हम देखें कि वो भी अपना कैरियर, अपना भविष्य जो है उसको अच्छे रास्ते पर ले जाए, और आने वाले समय में जिस तरीके से जो जिम्मेवारी उन पर पड़ने वाली है, जो कल का काम जो उनके सिर पर आने वाला है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो देखें कि वो बच्चे जो है, एक जमाना होता था कि हम दसवीं या ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी मिल जाती थी, अब दुनिया बदल चुकी है, नौकरियों का इतना स्कोप जो है वो बड़ा कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे जो काम का भविष्य है वो अपनी स्वरोजगार, अपनी काम जो है वो खुद करें, उसके लिए वो नौकरी ना ढूंढे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हमारे दरबदर हैं जो ये सोचते हैं कि नौकरी आज नहीं लगेगी, कल लगेगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है लेकिन टेक्निकली जो है उनके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है। तो हमें, मैं आपके माध्यम से उन बच्चों से इंटरेक्ट होकर ये कहना चाहूंगा कि उनमें जो खासियत है, जो काबिलियत है, जो उनमें हुनर है, उसको वो हुनर को बढ़ाएं। एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन साथ साथ में चलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे में क्या हुनर है, क्या उसमें काबिलियत है, वो खेलों में अगर अच्छा हो सकता है तो खेल भी एक बड़ा स्कोप है कि बहुत सारे हमारे जो खेल के लोग हैं उन्होंने भी काफी इनकम जो है उनको हुई है। बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पर, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि एक बगैर बाजू वाली एक लड़की शीतल देवी ने इतना बड़ा नाम जो है उसका हुआ है, इतना बड़ा नाम उसने हासिल किया है, तो दूसरे वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके साथ साथ और भी जो फील्ड्स है हमारे, उनको अपनाया जाए, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, ये सारी चीजें जो है उन पर भी उनको तैयार करना है।
आज बहुत ही अच्छा मौका है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारे जेडीओ साहब को अगर हमारा कोई प्यार, कोई नजराना, कोई तोहफा हो सकता है, तो जैसे इन्होंने कहा कि एक डिस्टर्ब बड़ी चैलेंज है, अभी सेशन यहाँ पे शुरू होने वाला है नया साल बच्चों का, हमारे एग्जाम जो है बच्चों के होने वाले हैं और उसके बाद नई क्लास बंदी होनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप सब लोगों का सहयोग कि आप कहीं पर शायद बच्चे ज्यादा है टीचर कम है, या टीचर ज्यादा है बच्चे कम है, तो उसका बैलेंस जो है आप लोगों ने करना है, और उसमें जो भी हमसे आपको जो है चाहिए होगा, जो फीडबैक आप देंगे कि यहां से ये हो सकता है, सजेशंस आपकी हम लेकर उनको जरूर इंप्लीमेंट करवाएंगे, और हम हमारा सहयोग जो है वो आपके साथ है, हमारी पूरी कोऑपरेशन आपके साथ है, क्योंकि हम आप लोगों के वोट से बने हैं और आपका काम करना जो है हमारी प्रायोरिटी है। हम समझते हैं कि कोई भी अनजेन्युइन बात अगर आप पे हो, जैसे अभी मैं अद्भुत की बात करूंगा, अद्भुत डोडा, तो बहुत सारे टीचर्स हमें कहते थे कि इससे हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा, तो जब मैं डीसी साहब यहाँ पे आए तो मैं उनको कहा कि पहली फुर्सत में आपने ये बंद करना है, और उन्होंने वो बंद करके, और आज जैसे हर आदमी जो है बड़े आराम के साथ एक सिस्टम में तो रहना है, अब वो पहले वाला जमाना खत्म हो गया है कि भाई घर में बैठ के ही हाजिरी लगानी या 5-6 दिन के बाद जाकर वो रजिस्टर भरना है, वो वाली चीजें तो अब खत्म हुई है, अब जमाना बदला है, हम सब लोगों को अपना अपना काम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं, हम अथॉरिटीज के साथ वो बात करके कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिलीफ मिले। वैसे जो सुकून है जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए भी आप फीडबैक हमें दीजिए कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, कहां पर स्कूल को रिपेयर करना है, कहां पर कमरों की जरूरत है, कहां पर रोल ज्यादा है, तो वैसे जैसी चीजें जितनी भी आपके ध्यान में आती हैं, आप बेझिझक जो है मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे और आपको रिलीफ पहुंचाएंगे। तो आखिर में मैं फिर आप सब लोगों का एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौका पर यहां पर हमें बुलाया, यहां पर हम सब लोगों को मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इज्जतमान डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा, वर्दी चीफ एजुकेशन अफसर डोडा परशोत्तम दास गौड़िया जी, डीडीसी काउंसलर संदीप जी, प्रिंसिपल डाइट डोडा जो अभी अभी तशरीफ ला रहे हैं, थापा साहब, तहसीलदार ठाठरी साहिल रंधावा जी, हमारे दोस्त प्रोफेसर खुशांत सिंह जी जो पिछले दिनों एससीईआरटी जम्मू से रिटायर हुए हैं, वो अपनी अहलिया के बदले में आज दोबारा रिटायर होने आए जम्मू से अभी चल के, हमारे होनहार एनर्जेटिक स्टॉलवर्ट इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जो आज एसएचओ यहाँ ठाठरी में है, वो भी तशरीफ फरमा है, और हमारे इस स्कूल के सेक्रेटरी सतीश कोस्टवाल जी जिसने हमें यहाँ बर्दाश्त किया, और मेरे रुफकाई साथियों जो बड़े जोश खरोश वलवले के साथ जो है यहाँ तशरीफ लाए हैं। कल रात को जो है बूंदाबांदी थोड़ी हुई थी, बोल रहे थे कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बहुत जमे गफीर जो है यहाँ जमा हुआ, इससे पता चलता है कि मेरे प्रति आप लोगों के अंदर मोहब्बत है, प्यार है, रेस्पेक्ट है। मेरी जिंदगी का सफर अब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी 4 बजे समाप्त हो जाएगा, तो मैंने तय किया था सब फोन करते हैं कब आओगे, अभी कितनी कॉलें आ रही हैं, हम रामन में इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 4 बजे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की बात पर जो है मैं इत्तेफाक करूंगा कि मैं पूरे आखिरी समय तक काम करूंगा। 2-3 दिन से मैं दफ्तर में 6-7-7 बजे तक आप लोगों के जो
कागजात जो थे सर्विस रिकॉर्ड थे वो मैं मुकम्मल बैठा करने बैठा हुआ था। मेरे साथ क्लर्क दो थे, 10 बजकर कुछ मिनट पर उन्होंने अपनी जेब अटेंडेंस की है रात के। तो यानी कि मेहनत लगन के साथ जो मैं यहाँ 39 साल 4 महीने का जो टेन्योर जो मेरा जिंदगी का है और मेरा यहाँ जो अपने काम करने का तरीका देखा मेरा जिंदगी में पूरा ही है। 84 में जब लगा था तब से आज तक यही मेरा सिस्टम है। कभी मैंने लेखो लाल नहीं की, अपने काम से काम रखा, घर का कोई काम नहीं किया मैंने, बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। अलबत्ता मेरा बड़ा बच्चा पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन भी कहीं 12th में सब्जेक्ट्स में आई है, लेकिन मैंने उनको नहीं सिर्फ मैथ में गाइडेंस करता था उसको मैं। वाला ने इस मेरी मेहनत के सिले में नवाजा, बच्चियां भी मेरी डबल एम में बीएड है, एडजस्टेड है। अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुंचाया उसी का शुक्र है, नहीं तो आज को दौर के अंदर जो है कामयाबी से जो है सबकदोश होना कोई आसान काम नहीं है। 20 महीने का वक्त जो ये यहाँ पर जो मैं ठाठरी में गुजारा मैंने एज ए जेडीओ, आप सबने देख लिया जून की, अपने सबने काशी की इस हालत में आपका जून था। और मैं जब आया यहाँ तो मेरे गुरु जो है परशोत्तम दास जी जो 2 बार प्रिंसिपल रामा रह चुके हैं, हमारे वहां से भी जान पहचान थी, तो इन्होंने आते ही मुझे बड़ा हौसला दिया और सपोर्ट भी की उन्होंने। और मैं आज इस मुकाम पर आपके सामने जो है कामयाब होकर जो यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने तो अपनी किसी से उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे देगा कुछ, मेरे दिल में ही नहीं था। तो आज आप देख रहे हैं उसका सीधा क्या हुआ, मुझे उससे ज्यादा मिल गया। अभी तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि आप 1 महीने से पार्टियां चल रही हैं, मैं भी थक गया गिफ्ट लेते लेते, तो आज तो गाड़ी भी नहीं है, मैं जूंगा करना पड़ेगा। तो सीओ साहब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहली बार बुलाकर जो है इन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया वहां ग्रैंड पार्टी की इन्होंने, और वहां में एक अमानत जो है मेरे दिल में भूल गया था, मंच नहीं मिला। कल भी हम वहां उधर शिवालिक में थे लेकिन मंच नहीं मिला। जो इनका स्टाफ है जितने भी टेबल है इनके, जब भी मैं जाता था इतनी रेस्पेक्ट वो देते थे मुझे, और मेरा काम जो है बिल्कुल अभी मैं बोलता नहीं था वो कर देते थे। तो ये पूरा जो सहरा इसका जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो है गौड़िया जी, और फोन पर भी जो फोन कर लिया काम एकदम हो गया। अनीश जी, डॉक्टर अनीश साहब जो है हमारे DPO हैं और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस अफसर हैं एजुकेशन के डोडा डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने भी काफी हौसला अफजाई की इन्होंने तब से ही 20 महीने के टेन्योर में। तो तहसीलदार साहब का मेरा 20 महीने का वक्फा रहा, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, तो मैं हमेशा इनके तालमेल में रहता था। जो भी काम देते थे मैं तनदही से उसको सब सारे इंजाम करता था। 4 महीने नेशनल फेस्टिवल से हम यहाँ जो है मनाए, 2 बार 15 अगस्त, 2 बार 26 जनवरी, पूरी जिम्मेवारी जो है ये मुझे सौंप देते थे। और मैं 28 तारीख को भी डोडा में उस मेडल्स और वो क्या कहते हैं ट्रॉफी जो है ऑर्गेनाइज करने में वहां बिजी था, जबकि मेरे आखिरी वक्त थे कागजात बनाने के, लेकिन SDM साहब अब इन्होंने कहा नहीं आपने ही ये सब कुछ करना है। तो जो बाकी मेंबर्स थे बेचारे वो किसी वजह से जम्मू में ही थे, मैंने कहा बैठो मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। इतना जबरदस्त फंक्शन हुआ 26 जनवरी का, आज से पहले यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। तो ये इन 5 तहसीलदार जो है यहाँ के 5 तहसीलों पर ये जोन है उनका बड़ा मशहूर हूँ मैं, कि उन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की। जहाँ भी तहसीलदार चिराला हर स्कूल में गए, मेरा काम करते रहे बड़ी तनदेही से। बैला में तहसीलदार था वो भी कभी किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं है। कारा वाला है सर के पास तो 2 तहसीलों का चार्ज है। तो मेरे उस्तादीजा करम जो है साथी जो है रुफा इकार साथी सबने जो है तनदेही से काम किया, बड़ा कॉपरेट किया मुझे उसका। आप सुबह से ही देख रहे हैं 11 बजे से तकरीरें चल रही हैं। तो आज का एक ऐसा दिन होता है मुलाजम का एहसास होता है अपनी पूरी जिंदगी का पूरी सर्विस का,
कि आज के दिन जो है तारीखों के पूर्ण भाव दिए जाते हैं, नाम कुछ नहीं होता लेकिन तारीखों के पूर्ण भाव ले जा रहे हैं, लेकिन मैं कंटेंटेड हूँ। मैंने पूरे 84 से आज तक 24/7 काम किया है, अपना ही काम, स्कूल का ही काम नहीं, मुझे चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामन में जब नया बना एस्टेब्लिश होने में काफी योगदान रहा। मैं तकरीबन तमाम कमेटीज में वहाँ हेडिंग हेड करता था, कैशिंग बड़ा मुश्किल काम, मेडिकल रिमबर्समेंट, रेगुलराइजेशन, कन्वर्सेशन, ये पॉलिटिक्स की काफी काम लिया। हमारे वहाँ सीओ साहब प्रिंसिपल साहब होते थे, पानी साहब प्रिंसिपल एसीओ होते थे, बहुत काम लिया, दिन रात में काम करता था, घर में 1-1 बजे तक फाइलें। अब किसी को टाइम बांट देना तो ऐसे थोड़ा हवाई देना, एक एक कोई सर्विस बुक की वेरिफिकेशन या कैशिन लीव देनी है, एक एक सर्विस बुक को आधा आधा 1-1 घंटा लगता था, तो पूरा 12-1 बजे तक मैं पूरा तैयार करके भेज देता था दफ्तर को, क्लास 4 आता था ले जाता था, दूसरे दिन टाइप करके लिस्ट आउट हो जाती थी। बहुत काम लिया है पूरी जिंदगी में और किया भी है, मैंने खुशी खुशी से किया है। अभी साहब बोल रहे थे अब मैं आगे भी काम लेता रहूंगा, क्योंकि छठी जोन मेरे टिप्स पर ही है, अभी भी भूलेगा नहीं जल्दी, और जब भी मेरी जो जरूरत होगी मैं तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी हौसला अफजाई की मेरी, और ये आज का दिन जो है मुझे कामयाब जो होते हुए जो संतोष हो रहा हूँ इस 39 साल 4 महीने की सर्विस में, तो ये मेरे साथी जो ऑफिसर्स हैं आज जो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी हस्ती अपना काम छोड़कर जो है यहाँ आए, प्रिंसिपल जो है अपनी डाइट में ट्रेनिंग चल रही है, वो यहाँ तशरीफ, सीओ साहब और डीपीओ साहब जो है ये रात को भी 11 बजे उधर बैठे हुए थे दफ्तर में पूरे स्टाफ के साथ, तो इतना काम का प्रेशर है, इतना लोड है। मेरे कलर्क जो है 10-10 बजे तक रात को बैठे रहते हैं दफ्तर में, तो इतना प्रेशर है, मैन पावर कम है इस वक्त, कंप्यूटर नवीन बहुत कम लोग हैं आज है ही, अब जो है सारा जो है डिजिटलाइज हो गया है सिस्टम जो है, तो इसके लिए जो है हमारे पास हैंड्स, टेक्निकल हैंड्स होने चाहिए जो ऑनलाइन पोर्टल्स को जो है हैंडल कर सके, बहुत कम है अभी तादाद है, नए बच्चे आएंगे जब तक तब तक तो प्राणों ने ही कुछ ना कुछ करना है, इसके लिए सीखना है सबने। मैं इस उम्र में जब ए लेवल मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मेरे रामन में पिट्ठू होता था साथ, वो अदालत के पास से गुजरता था तो मेरे स्टूडेंट सारे वकील थे, बोलते थे सर जी ये क्या रखा लास्ट में, मेरे कंप्यूटर का दौर था, कंप्यूटर है और कुछ नहीं है। तो मैं हर वक्त 6 साल एज ए हेडमास्टर खुद बेसिस पे खुद बनाता था, खुद सारे काम करता था, जबकि सारा जो 18 के 18 फीमेल स्टाफ था, तो काफी मैं दिन रात मेहनत करनी पड़ी मुझे पूरी जिंदगी में, तो मेरा जो 24/7 ही मैं कहूंगा कि मेरा योगदान है डिपार्टमेंट को, तो आज मैं इसको खुशी खुशी से इसको अलविदा करने जा रहा हूँ, वक्त भी कम है, सीओ साहब को बार बार कॉल आती है, इनको मीटिंग है शाम को, तो इसके लिए कोई मसौदा तैयार करना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की डाक जमा करनी है, तो उसके लिए जो है मैं सब आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने यहाँ इस प्रोग्राम को, आप खुद ही बोल रहे हैं पहली बार ऐसा मिलजुल के हो है, यूनिटी में ही जो है कामयाबी है। मैं यही लास्ट में बताऊंगा कि आप एक जुट वो कर रहे हो, और जो जेडीओ आएगा जैसे आप चलाएंगे उसको वैसे ही चलेगा, आप जैसे कहेंगे उसको चलने के लिए वैसे ही चलेगा। खैर मेरा तो था बचपन से ही मुझे ये दर्स मिला था वाल की तरफ से, वो हेडमास्टर थे, हेडमास्टर से लेकर ये टीचर से लेकर फिर सेक्रेटरी तक को पहुंचे सर, लास्ट में सरपंच रहे, फिर एमएलए पीए रहे, एमएलए को बनाया, फिर पीए उसने लिया, अपना सेक्रेटरी तक पहुंचे क्योंकि काम करने का जज्बा था, सोशल भले वो बड़े वर्कर थे, तो मुझे भी वही ज्ञान मिला है, तो आगे भी मैं काम करता रहूंगा। यहाँ फोन पर भी किसी को दिक्कत होगी, मैं भी अपने गुरुओं से कोई भी मुश्किल आता थी मैं पूछ लेता हूँ, मैं ये शर्माता नहीं हूँ कि बड़ा हूँ मैं पूछूंगा, मैं छोटे से भी पूछ लेता हूँ, तो पूछकर ही काम करता हूँ, वही कामयाब होते हैं। तो मैं आखिर में फिर ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बर्दाश्त किया, इतने और वक्तन फक्तन जो यहाँ हमें वो हमेशा ये तैयार रहते हैं, कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है तो कहता हूँ मैं हाजिर हूँ, और इतना बड़ा फर्नीचर वगैरह आप देखें सजा हुआ ऑडिटोरियम इनका है,
तो ये पीछे नहीं रहते हैं कि इनको एजुकेशन के साथ बड़ी लगन है और काफी जो है इनका स्कूल जो है बहुत मुतासर हुआ। जब शुरू शुरू में आया मैंने देखा कि ठाठरी की सरजमीन पर ऐसे स्कूल इतने लोगों को है ये सर्विस दे रहे हैं यहाँ, तो मैं अक्सर मिलता रहता था। ये मेरे पास कभी आते थे दफ्तर में, कभी मैं इनके पास आता था, एक दूसरे के जो शेयर करते थे एक्सपीरियंसेस हम। तो मैं सबका आभारी हूँ, तहसीलदार साहब जिसने कीमती वक्त निकाला, एसडीएम साहब को भी कहीं आ जाना था लेकिन अपने डिपार्टमेंट की किसी की पार्टी थी कहा चले गए। मैंने एक दोस्त है एडीसी कश्तवाड़ को मधु किया था लेकिन एडीसी कश्तवाड़ बोलता सिर्फ मैं एक ऑफिसर स्टेशन पर हूँ, सारे चले गए इधर उधर, कोई इलेक्शन की भी ट्रेनिंग चल रही है। तो प्रहलाद जी को भी हमने आमंत्रण दिया था, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने ही फंक्शन होंगे उसके रिटायर हो रहे होंगे मान गए होंगे, लेकिन उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। मैं आप सब साथियों का आखिर में फिर जो है दिल की उम्मीद है इससे शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया पर्सन जो हमेशा भूल जाते हैं, मीडिया पर्सन का आभारी जो हमारी ये बात को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे जो कवरेज करते हैं इसके लिए, इनका भी मैं दिल की अमी गहराई से मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनका हृदय से इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमारे लिए टाइम निकाला, इनका सच में तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चेयरमैन साहब जो इनकी पहले पार्टी थी वहां पे आज एसएसपी साहब उनकी हैं, फिर भी इन्होंने हमारी जो इनविटेशन थी उसको कबूल किया, यहाँ पे आए, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टाइम प्रिंसिपल सर, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे बीच आए। हमारे तहसीलदार साहब जो हमेशा किसी भी चीज पे जब भी हमें कोई भी चीज बोलते हैं वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हर बात मानते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज हमारे बीच हैं। हमारे संदीप सर जो अपने आप को कभी भी बीबीसी काउंसलर कम और अपना होस्ट जैसे खाटे में कोई इवेंट करना होता है हम उन्हें काउंसलर की तरह नहीं बल्कि अपने यहाँ एक थार्टी का रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखते हैं, हमेशा किसी भी काम में अग्रसर होकर हमारा साथ देते हैं। हमारे एसएचओ साहब हालांकि कल हम वहां गए थे सबसे मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन फिर भी सर आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अगर हम यहाँ आज इस हाल में बैठे हैं तो इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है जो स्कूल के सेक्रेटरी साहब हैं इनकी बदौलत है, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा बैठने के लिए हमें, क्योंकि ठाठरी में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है, इन्होंने हमें रोक किया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे सर रिटायर्ड सीईओ तुषार सिंह सर जो हमें इनको एक और मुबारक देनी चाहिए क्योंकि आज ही इनकी मैडम की रिटायरमेंट है, वो किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए, उनकी जगह पे सर ही आए हैं, इनको भी रिटायरमेंट की भी हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारी जो सारी मैनेजमेंट कमेटी है मैं उसका पूरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप फोटो पे ही दिखते हैं लेकिन फोटो के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं जिनका नाम आगे नहीं आता है, मैं उनका खास करके उन लोगों का जिनका किसी भी पिक्चर में फोटो नहीं होगा लेकिन एक छोटे से इवेंट करने में भी उनके बड़ा योगदान होता है क्योंकि उन लोगों ने काम किया होता है तभी जाके हम किसी इवेंट को कामयाब कर सकते हैं। तो उन सबका चाहे फोटो में नहीं भी है या है भी उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस हमारे इस इवेंट को फ्रूटफुल बनाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक हम देखते आ रहे थे कि कल भी परसों भी हम देख रहे थे कि बारिश कितने परसेंट है, तो हम उस ईश्वर का भी लाख लाख धन्यवाद है कि आज ऐसे ऐसा खुशबार मौसम है कि वो 100% जो चांस दिखा रहा था वो नेगेटिव फेल हो गया। आज ऊपर वाली की कृपा हम पे है तो मैं ईश्वर से आप एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका तो योगदान होता ही है, हमेशा ईश्वर का साथ है। मैं सर को जडियो सर को फिर एक बार इनके नई एक जर्नी की शुरुआत है उसके लिए धन्यवाद और बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। मैं लास्ट में बशीर बदर के एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कहां आंसू की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मैं हर हाल में मुस्कराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी कोई भी टीचर अगर अपनी तरफ से कोई हमारे जज सर को सम्मान कराकर जो है वो हमारे जज सर को सम्मानित कर सकते हैं। तो अभी कोई टीचर जो है घर के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने Thank you.